पहले हम अभी थोड़ा सा और कराची पे बात कर लेते हैं. अरुण साहब, अगर आप यू हैव द कार्ड वेयर यू हैव 15 प्लेयर्स ऑफ कराची किंग्स, क्या लगता है आपको काइरन पोलार्ड को कौन रिप्लेस करेगा, और आपको लगता है कि हमजा जो है वो दोबारा मीर हमजा टीम का हिस्सा आज बनेंगे दोबारा? बिल्कुल, ये चेंजेस तो मुझे एक्सपेक्टेड है. कि मैं जो फर्दर पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जो कि फवाद ने भी कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, देखें ये सिर्फ खेलने की हद तक ही नहीं है. जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, जब आप टीमें सेलेक्ट कर रहे होते हैं, उस वक्त आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपने रिजर्व में जो प्लेयर्स चुने हैं, क्या वो ऐसे प्लेयर्स चुने हैं जो कि रिप्लेस कर लें किसी एक अच्छे प्लेयर को, अगर वो अनफिट हो जाता है या किसी वजह से वो आउट ऑफ फॉर्म होता है कोई ऐसी. ये चीज़ कराची ने अच्छी नहीं की. वेर एज अगर आप मुल्तान को देखें, मुल्तान का कोई भी प्लेयर अनफिट हो जाए, उनके पास रिप्लेसमेंट ऐसा मौजूद है कि उन्होंने इतना अच्छा होमवर्क किया हुआ था. क्योंकि उस वक्त जब आप बैठ के कोच, कैप्टन और सब, जब वो प्लेयर्स की लिस्ट आपके पास होती है, आपने मेन प्लेयर्स आपने पिक कर लिए, उसके बाद कौन से प्लेयर्स पिक करने जो रिप्लेस कर सकते हैं. ना तो थोड़ी सी हमें रिलीफ होगा. बड़ा एक्साइटिंग हेड टू हेड है. इफ वी कैन लुक एट द हेड टू हेड राइट नाउ, कराची किंग्स ने 6 मैचेस जीते हैं, मुल्तान सुल्तान ने भी 6 मैचेस जीते हैं. दिस इज वेयर यू हैव सम कॉन्फिडेंस के कराची मुल्तान के अगेंस्ट अच्छा खेलता है, बिकॉज मुल्तान की एक ऐसी टीम है जो कंसिस्टेंट रही है पिछले तीनों सीजन में. उनसे अच्छी कोई टीम नहीं, ऑल्दो लाहौर जीता है कप्स, लेकिन मुल्तान हैज बीन अ ग्रेट टीम. सो कराची ने उनसे 6 मैचेस जीते हैं. और अगर फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग की बात की जाए, वो भी काफ़ी इक्वल है. मतलब कराची ने भी 3 मैचेस जीते हैं, मुल्तान ने भी 3 मैचेस जीते हैं, प्लेइंग सेकंड भी दोनों ने 3-3 मैचेस जीते हैं. सो हारून साहब, दिस इज समथिंग वेरी इंकरेजिंग फॉर कराची के दे प्ले बेटर अगेंस्ट मुल्तान. हमेशा आपको मैं बताऊंगी, ये जो स्टैट्स जैसे हेड टू हेड है, ये सारी चीज़ें जो है ना, यू नो, सिर्फ फिगर्स की हद तक है. क्योंकि एवरी डे इज़ ए न्यू गेम. यू नो, आप जब देखते हैं कि जिस दिन आप खेलने गए हैं उस वक्त आपका कॉम्बिनेशन कैसा है, क्या ऑलराउंड पैकेज है कि नहीं है. मेरे अपने नज़दीक कराची के पास ऑलराउंड पैकेज नहीं है. आप देखेंगे उनका कैप्टन स्ट्रगल कर रहा है. सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जब कैप्टन स्ट्रगल करेगा तो टीम के ऊपर भी उसका असर बुरा पड़ता है. वेयर एज अगर मुल्तान को देखें, सिवाय एक या दो इनिंग्स के, रिजवान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. सो जब कप्तान कर रहा था तो सारी की सारी टीम जो है ना उसके पीछे खड़ी भी होती है. सो यहाँ पर आप देखें कि अभी भी वो प्लेयर्स जो कि मेरे अपने नज़दीक यू नो रिटायरमेंट की स्टेज पे हैं या हो चुके हैं, अपने अपने मुल्कों से वो नहीं खेलते और वो आगे कराची की टीम में डोमिनेट कर रहे हैं. दिस शोज के कराची की जो टीम है उसमें डेप्थ नहीं है. बिल्कुल सही है. फवाद साहब, शान मसूद कराची किंग्स के कैप्टन हैं, वो पहली बार इस सीजन में उनके कैप्टन बने. हमें पता है मुल्तान सुल्तान को उन्होंने कब जिताया हुआ है, और ये एक सीजन प्लेयर हैं. उनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, समझदार क्रिकेटर हैं, कि वो एक दो हार के बाद वो समझेंगे. कुछ गलतियाँ हुई, नवाज़ को नहीं यूज़ किया गया, शोएब मलिक का एक ओवर पिछले मैच में नहीं यूज़ किया गया. डू यू थिंक ही इज़ द राइट प्लेयर टू बी इन दिस सिचुएशन एज अ कैप्टन ऑफ कराची किंग्स, एंड ही इज़ गोइंग टू लिफ्ट द टीम टूवर्ड्स सक्सेसेस के वो टॉप 4 में फिनिश कर सके, और आज के मैच में भी अच्छा वो कॉम्बिनेशन लेके उतर सकते हैं? देखिए, कर सकेंगे वाली बात नहीं है, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा. उसकी वजह ये कि उसके बगैर कोई बचत नहीं है. आप क्योंकि आप पे बहुत ज़्यादा कराची किंग्स की मैनेजमेंट ने भरोसा किया है. आप कराची जहाँ से आपका ताल्लुक, जिस शहर से, उस टीम के लिए वापस आए हैं. टीम भी चेंज हुई है, मैनेजमेंट भी चेंज हुई है. इवन फॉर हिज करियर इन PSL इट्स इम्पोर्टेंट कि वो किसी टीम में लॉन्गर रन के लिए कप्तान रहे. तो शान मसूद के लिए, उनके लिए, और मैंने सवाल इसलिए भी पूछा कि यू हैव कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ व्हाट ही हैज डन फॉर क्रिकेट, सो यू कैन बेटर टेल अस के यार. और साथ साथ फैसल, मसला सारा जो मुझे नजर आ रहा है ना, कि शान को अपने होल से निकलना पड़ेगा. ठीक है, एज अ बैट्समैन, एज अ बैटर, जिसमें वो खुली, उन्हें ये जहन में रखना पड़ेगा. देखिए, फैसला काफी हद तक T20 क्रिकेट का ना, पहले 6 ओवर और आखिर के 3 ओवर ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. पहले 6 ओवर में जो टीम जीत जाती है ना, बहुत कम होता है कि वो आखिर में जाके मैच हारे. बिल्कुल. अगर आप 60 रन पे एक आउट है तो बहुत कम होता है. तो आप यहाँ पर आपने रन करने और विकेटें भी अपने हाथ में रखनी है. क्योंकि प्रॉब्लम कराची की अभी तक के जो मैचेस हैं, ये आई है कि बीच में शोएब ने और पोलार्ड ने जाके काफी टीम को बचाया, पिछले मैच में फिर अनवर अली ने, तो ऊपर से रन नहीं हो रहे. अगर ऊपर से हो जाए तो बीच में उनका एक ऐसी टीम है कि जो उन्हें आगे लेके जा सकती है. ऑलराइट, सो आई एम श्योर द एंटायर कराची इज एक्साइटेड टुडे बिकॉज मुल्तान सुल्तान और कराची का मैच है, और कराची एक टॉप ऑफ द टेबल टीम से खेल रहा है. और जैसे हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कराची को आज परफॉर्म करना पड़ेगा, शान मसूद को आज परफॉर्म करना पड़ेगा. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.